हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है सुबह और गाइस आज तो भयंकर बारिश आ रही है रात से ही। मुझे लग रहा है रात को 12 बजे से ही आ रही है और अभी तक चालू ही है। अभी 10 बजे भी उठा हूं मैं। ये देखो शायद कह रहा था घूमने जाने की, मगर बारिश आ रही है तो बताओ अब कहां जाएं। ये देखो गाइस कितनी भयंकर बारिश आ रही है, पूरा पानी पानी हो गया है। हम इस बारिश की वजह से पतंग भी नहीं उड़ा पा रहे यार। शायद पतंग भी वैसे ही रखी है। ये देखो यहाँ पे भी पानी भर गया है। शायद को मजा आ रहा बारिश में। तो गाइस अभी हम आ गए गाड़ी में और अभी हमारा प्लान है बारिश में घूमने का। तो अभी मैंने विशाल को बुलाया है। पकौड़े खाएगा ठंड में? कुछ और खाते। क्या खाएगा बता? पाव भाजी खाएगा ठंड में? हाँ। सुबह हाँ। गाइस ठंड में सब पकौड़े खाते हैं, मेरा मन पकौड़े खाने का था। ये यूँ कह रहा पाव भाजी खाओ। क्या खाएगा? पाव भाजी बेकार होती है। तो गाइस देखो एक घंटे में आया नहा धो के, आज फिर से एक घंटा लगाया इसने और पीछे अन्नी भी आ चुका है। अकेले अकेले नहीं जाने दूंगा। तो अभी चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। मस्त बारिश हो रही है। छोले भटूरे पकौड़े खा के आते हैं कहीं। छोले भटूरे। तो गाइस इतनी बारिश में हम आ चुके हैं विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे खाने। और ये देखो यहाँ पे कितनी मस्त थार खड़ी हुई है और इतनी बारिश में भी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो अभी तिरपाल के नीचे आके खड़े हो गए हैं और बारिश देखो कितनी तेज हो रही है और यहाँ तो चूर चूर नान मिल ही नहीं रहे आज। गजब बेइज्जती है यार। तो अभी छोले भटूरे खा के गुजारा करना पड़ेगा। अभी हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं, गिरा मत दियो। तो गाइस मस्त बारिश के साथ छोले भटूरे चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कितने मस्त है। और वैसे तो आपको पता ही है ये विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे हैं। दो तीन बार आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। फैंस कैसे लग रहे छोले भटूरे भैया? एक नंबर लग रहे हैं। तो गाइस अभी मस्त छोले भटूरे खा लिए हैं, मजा आ गया छोले भटूरे तो खा के। आज कम भीड़ थी ना तो मस्त करारे बनाए हुए थे छोले भटूरे। तो अभी फैंस कहाँ का प्लान है चलने का? तो गाइस अभी बारिश हो रही है तो पहाड़ पे जाने का तो फायदा ही नहीं है, अभी कुछ और चीज खाते मस्त। ये देखो गाइस यहाँ से भी टिश्यू ले आया है, ये हर जगह से टिश्यू ले आता है पता नहीं क्यों। ये देखो गाइस इतनी बारिश हो रही है कि 2 मिनट अगर एसी ना चलाए ना तो शीशे पे धुंध जम जाती है और आगे का कुछ भी नहीं दिखता फिर। तो गाइस अभी हम आए बाजार में और आज बाजार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। बारिश की वजह से ना भीड़ ही नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो गाड़ी तो लेके ही नहीं आ सकते बाजार के अंदर। तो गाइस अभी बाजार में मैं आऊँ सरदार जलेबी वाले के यहाँ और ये देखो एक जलेबी की सबसे फेमस दुकान है गुड़गांव की। गाइस अभी हमने जलेबी ले लिए और शायद को विशाल को और अन्नी को मैंने गाड़ी में बिठाया हुआ है क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी। ये देखो इन्होंने सांस छोड़ छोड़ के अंदर पूरा धुंध कर दिया है। टैटन है, आ चुकी है हमारी जलेबी। झपट्टा मार रहा है। तो गाइस अगर आप भी गुड़गांव में रहते हैं तो आपने सरदार जलेबी वाले के बारे में सुना होगा। ये गुड़गांव का सबसे फेमस और पुराना जलेबी वाला है जो सदर बाजार के अंदर है। वैसे तो यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकती, आपको 2-व्हीलर पे आना पड़ेगा, मगर आज मस्त बारिश हो रही थी तो हमारी किस्मत में जलेबी लिखी थी इसीलिए हम जलेबी खाने आ गए। मस्त एकदम। तो गाइस बारिश में मस्त छोले भटूरे और जलेबी खाई, बड़ा मस्त मजा आया क्योंकि सुबह सुबह भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। और भाई बारिश तो देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है डेली। ये देखो गाइस हमारी गाड़ी बन चुकी है नाव और नदी में चल रही है, देख रहे हो कितना पानी है। भाई गाड़ी बंद ना हो जाए बस, धक्का भी नहीं मार पाएंगे पानी भर गया तो। ये देखो गाइस आगे वाला ऑटो कैसे डूब के चल रहा है। भाई साहब सर्दी में इतनी बारिश की उम्मीद ही नहीं थी हमें तो। गाइस अभी घूम घाम के आ चुके हैं घर, आपस में लड़ाई करने लग जाता है शायद विशाल से। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।